हमारे साथ ना कुछ भी बिना रीजन से नहीं होता है। रब ना किसी भी रैंडम बंदे को पिक नहीं करता है कि चलो इन्हों जाके बीमारियां दे दो, प्रॉब्लम दे दो, तकलीफ दे दो, दुख दे दो, और एक रैंडम बंदे को पिक करके सारी खुशियां, सारी ब्लेसिंग्स एंड सब कुछ दे दो, वो भी जो भी चाहता है, जिसको देख के हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा रब नहीं करता है। हमारे साथ जो चीज़ें भी होती हैं वो हम ही हैं उन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल कि वो ऐसे ही होनी होती हैं। यूनिवर्स से या रब से, जिसने भी हमें क्रिएट किया है, हमारे क्रिएटर से कोई भी गलती नहीं होती है कभी भी। जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं ये हमारा ही कर्मा रिटर्न होके हम पे वापस आता है, और वो ऐसे ही होना होता है। आप उतनी जल्दी विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर देंगे जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सिचुएशन ऐसे ही होनी थी और ऐसे ही होगा। यस, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होनी होती हैं, पर हमारे पास फ्री विल है हर चीज़ को चेंज करने के लिए। हम इस धरती पर हमने जन्म लिया है इस अर्थ पे, एंड हमारे पास ये नहीं है कि हम बस सहने के लिए आए हैं, जो भी चीज़ें होंगी बस वही होंगी, वही हमें सहना पड़ेगा, एंड कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज आप डिसाइड कर लें कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपना शैडो वर्क करेंगे, अपने आप को हील करेंगे अपने ट्रॉमा को, तो आपकी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जब आप जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा। सो ये हमारे पास फ्री विल है। कई बार ऐसा होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के सोचे कि यार मेरी ज़िंदगी तो खराब ही जाने वाली है। वो तब बनी थी एस्ट्रोलॉजी जब आपने पहला साल लिया था धरती के ऊपर, पर उसके बाद आपने, आप 20 साल के हैं, 25, 30, 30 साल का आपने कर्मा इकट्ठा कर लिया है। ये ऐसा नहीं है कि आपने वो सारा कर्मा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही किया होगा। मे बी आप बहुत अच्छे इंसान होंगे या बहुत बुरे होंगे या बहुत बुरे थे पर अचानक से अच्छे बन गए। सो आप कर्मा अपनी फ्री विल के हिसाब से करते रहते हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं जो भी हमने पास्ट में कर्मा किया होता है। आई डोंट नो आप ये चीज़ों पे यकीन करते हैं या नहीं, बट ये चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं है कि रैंडम बंदे को रब यूज़ करेगा कि इसे सारी दुनिया जहान की तकलीफ दूंगा मैं। वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा ही वापस हम पे आता है। जैसे बोल देना कि जो भी आप यूनिवर्स में छोड़ोगे वो वापस आएगा ही। ये हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में आपने सर्टन जगह तक चीज़ें कंप्लीट कर ली थी एंड फिर आप चल बसे, एंड वहीं से चीज़ें इस जन्म में शुरू हो जाती हैं। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इस ज़िंदगी में ना बहुत सारी लेयर्स हैं, हमारी लाइफ में इतनी सारी लेयर्स हैं। जितना आप डीप डाइव करते जाएंगे उतना ही आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको चीज़ों की नॉलेज होती जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ लोग जिससे भी आप मिलते हैं, इवन हमारी फैमिली पेरेंट्स, सरफेस लेवल पे ही जीते हैं। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो दूसरे लेवल की बातें करते हैं, जो सरफेस से थोड़ी डीप हों कि एक्चुअली रियलिटी क्या है ज़िंदगी की, हमारे जन्म की क्या पर्पज़ है, हमारा धरती पर आने का कौन, ये चीज़ों को मैनेज कर रहा है, यू नो, बड़ी बड़ी बातें। मेजॉरिटी ऑफ लोग सिर्फ सरफेस लेवल पे जीते हैं। सो जितना आप डीप डाइव करेंगे इस ज़िंदगी पे, इसकी लेयर्स में, उतना ही एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, उतना ही आपको पता चलेगा कि जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं उसको, उसके साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। वो इस जन्म में कर लें, अगले में करें, मे बी अगले 100 जन्मों की प्लानिंग होके रखी है ऑलरेडी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो चीज़ें ऐसे ऐसे चलेंगी। फ्री विल है आपके पास, आप आज भी उठें, खड़े होएं, अपनी चीज़ों को चेंज कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो। आपको चीज़ों के साथ डील करना ही पड़ेगा, राइट? अगर आपने एग्ज़ाम में बुरा बुरा लिखा है तो आपको उसमें वैसे ही मार्क्स मिलेंगे, आपको डील करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने सारा एग्ज़ाम गलत लिखा है और नंबर मुझे 100 out of 100 मिल जाएंगे। आपको उतने ही मिलेंगे जितना आपने लिखा है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी काम करती है। मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मुझे जितना पता है मैं उतना आपको बताना चाहती हूँ कि जितना आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। आपको पता है मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत बार बताती हूँ मैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। मैंने 2019 में डायग्नोज हुआ था। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मुझे ऑटोइम्यून कंडीशन डायग्नोज हुई है। आज भी उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग इतने दुखी हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मैं मरना चाहता हूँ, ये होना चाहता है वो। गाइस, आपके साथ जब कोई भी कंडीशन आती है, अभी ये ऑटोइम्यून कंडीशन ऐसे नहीं है कि आप मर ही जाएंगे कल। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो ऐसी बीमारियों से डील कर रहे हैं, पर उनके पास जीने का उत्साह इतना ज़्यादा होता है, वो बहुत खुश होते हैं, उनको डील करना आता है चीज़ों के साथ। यस, चीज़ें होंगी जैसे भी होनी होंगी, पर आपका अगर माइंडसेट अच्छा होगा तो बहुत सारी चीज़ों को आप बदल भी सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ज़िंदगी में लिमिटेड समय भी है, आपको पता चल गया है कि आपके पास ये बीमारी है और आपके पास लिमिटेड समय है, अब आप
है, आप उसको मिजरी के साथ जीना चाहेंगे या खुशी के साथ, क्योंकि मरना तो है ही, राइट? सो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें एंड देखें कि आप क्या क्या स्टेप कर सकते हैं उस चीज़ को चेंज करने के लिए, एंड चेंज करें, मे बी आपकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। और या फिर अगर कोई डिजीज़ आपको कोई लेसन देने के लिए आई है, जब आप लेसन लर्न कर लेंगे वो थोड़ी धीमी हो जाती है एंड थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस एंड आपको डील करना आ जाता है, या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी नई सिचुएशन को, या मेरे हाथों में दर्द है वो होगा ही, अब मैं अपने घर की बाकी चीज़ें कैसे करूँगी। इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस आएगा और विक्टिम माइंडसेट से बाहर आएंगे कि आप हमेशा यही बोलते रहेंगे, यार मैं बीमार हूँ ना इसलिए ऐसा होता है, मैं गरीब हूँ ना इसलिए ऐसा होता है, मेरी सिचुएशन ऐसी है ना तभी ऐसा हो रहा है, मैं सुंदर नहीं हूँ ना, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि मानिए कि आपकी दोस्त है, उसका ब्रेकअप हुआ है, उम्मीद ना आपके साथ रोती रहेगी, दो तीन हफ्ते आप उसको तसल्ली देंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया है, पर फिर आप तंग आ जाएंगे कि यार ये तो यही रोना है, आप मिलना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास दो दिन होते हैं छुट्टी के, अब दो दिन इसका रोना सुनूं जाके मैं, या फिर रहने ही दो। सी थोड़ी देर आपको सिंपथी मिलती है जब आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, बट लेटर लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास अपनी ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। सो जितना आप उनको हैप्पी टाइम दे सकते हैं, जितना आप अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, उतना ही लोग भी आपसे मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आप में बीमारी चल रही है, आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, ये आप ही को डील करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे रोएंगे तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स या फिर कोई दोस्त या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपको पिक करके एकदम से छू मंतर कर देगा, ऐसा नहीं होगा। यस, आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको गाइड कर सकते हैं कि ये चीजें करो तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, या फिर इस सिचुएशन से तुम बाहर आ सकते हो, पर आना आपको खुद से ही है। सो रोना बंद करें, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आपके पेरेंट्स भी गुस्सा ही हो जाएंगे लेटर के, यार इन्हें जो फोन करो इन्हें रोना ही होता है ना। कई लड़कियां कितनी परेशान होती हैं अपने इन लॉज के घर में, अपने पेरेंट्स को बताती, पेरेंट्स धीरे धीरे सुनना ही बंद कर देते हैं एंड वो लड़कियों के साथ कई बार कितना गलत भी हो जाता है। सो आपको देखना है कि आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपको गाइड कर सकते हैं एंड लेटर वो गाइड भी नहीं करते हैं। आप ही को अपनी लाइफ को पिक करना पड़ेगा एंड लड़ना पड़ेगा उसके साथ। आई डोंट नो आप कर्म योग में बिलीव करते हैं या नहीं, अगर आप रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, यूनिवर्स में बिलीव नहीं करते हैं, तो कर्म में तो बिलीव करते ही होंगे कि जो भी आप किसी के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही वो आपको रिटर्न में देता है, आज देगा कल देगा 50 साल बाद देगा पर देगा। सो अपने कर्म योग को ठीक करें। कर्म योग तीन तरीके से होता है, बोल के, सोच के एंड एक्शन लेके। सो ये नहीं है कि अगर आप किसी का कुछ बुरा एक्शन से नहीं करते हैं पर मुंह से करते हैं तब भी वो सेम ही रिजल्ट देगा, अगर आप सोच के भी करते हैं किसी का कुछ बुरा हो जाए तो वो भी आप कर्मा ही क्रिएट करते हैं। सो अगर आप सिर्फ अपना कर्मा योग क्लीन कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। अगर आप रिलीजियस नहीं भी हैं तब भी आपको रब की ब्लेसिंग ही मिलती है क्योंकि आपका कर्मा योग क्लियर है एंड ऑल्सो आपका पुराना कर्मा भी काटा जाएगा, इस बार नया भी क्रिएट नहीं होगा एंड आप वैसे ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे नहीं होते हुए भी अगर आप अपने कर्मा को क्लीन कर लेते हैं। अगर कर्मा योग के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, ज़रूर से सुने, आपको पता चलेगा कि कैसे कर्मा योग आपकी हेल्प करता है बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए और स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। अगर कुछ भी आप यंत्र मंत्र कुछ भी आप कर्मकांड नहीं करते हैं फिर भी आप स्पिरिचुअली अलाइन हो सकते हैं सिर्फ कर्मा योग करके। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मे बी आपकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट होगी, मे बी आपकी परवरिश बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे घर में आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, आपके पास एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको आप सोच के करें कि वो बुरा हुआ था मेरे साथ। मे बी आपने कभी अब्यूज़ नहीं देखी होगी, मे बी आपकी टीचर्स ने आपको कभी अब्यूज़ नहीं किया होगा, मे बी आपको कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन में से निकलना ना पड़ा हो, सब कुछ बहुत ही यू नो फेरी टेल हुआ आपके साथ, पर फिर भी दिल से आप सैड हैं, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग फील नहीं करते, एंग्जाइटी है आपको, डिप्रेशन जैसा फील होता है एंड लोनली है एंड पता नहीं आपको लगता है कि यार केड़ी खुशी नहीं मिलती मुझे कभी भी, ये सारी चीजें भी आपके पास्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है कि इस बार तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ फिर भी मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ। सो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, आप जरूर से किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, जर्नी शुरू करें, किसी भी तरह की मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, बैठें, योगा करें। योगा एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं करता है, वो आपको स्पिरिचुअली पूरी हाइट पे लेके जाने की काबिलियत रखता है। सो कुछ भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जरूर से चलें, आपको अंदर से पीस मिलेगा एंड आप हील होना शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पे भी आपको कर्मा योग को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो वीडियो ज़रूर से देखना,
जरूर हेल्प मिलेगी। कुछ हफ्ते महीनों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जब भी आप जागते हैं, जब भी आप सोचते हैं कि यस मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है और आप ये स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, आपको चेंजेस बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं। जितना आप प्योर क्लीन एंड पॉजिटिव हैं अंदर से, उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे। जितना आपके अंदर मैल भरा हुआ है, लोगों का बुरा करने की चाहत है, ग्रीड है, उतना समय लगेगा। जितना आप अंदर से क्लीन है, साफ है आपका दिल, जितना आपको हर पे प्यार आता है, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें काम करती हैं। किसी ना किसी किस्म की स्पिरिचुअलिटी बात को ज्वाइन करें। बेशक आप किसी को भी नहीं मानते, चौंगड़ी मार के बैठे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें एंड अपने सांस पे फोकस करें, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर चीज़ें आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती हैं तो डील करें उसके साथ, एक्सेप्ट कर ले, बस रोने मत मनाएं। आपने चीज़ें प्लान करके रखी हैं कि 20 साल की उम्र में ये होगा, 25 में ये होगा, 30 में ये, 35 में ये, एंड चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तो डील करें उसके साथ, दुख मत मनाएं। आपको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिली, आपको अपने पसंद का करियर नहीं मिला, तो डील करना सीखें इन चीज़ों के साथ, क्योंकि चीज़ें हर बार आपके हिसाब से नहीं होती हैं एंड मे बी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कुछ प्लान करके रखा है रब ने। आप सोचेंगे लाइक आज तो आप रो रहे हैं, पर 10 साल बाद आप सोचेंगे थैंक गॉड कि वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, इवन मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि रब के प्लान हमारे लिए हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। वो इतना तगड़ा प्लानर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उसके जैसी क्रिएशन के बारे में या फिर उसके जैसी प्लानिंग के बारे में। सो उसे सबसे ज्यादा पता है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमने सोची नहीं होती है, पर बहुत अमेजिंग होती है। सो आज हम छोटी चीज के लिए रो रहे हैं, पर उन्होंने हमारे लिए शायद कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा हो। सो एक्सेप्ट करें एंड डील विद इट, रोना बंद करें। ओके, मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान करके रखे थे। वर्गो हूँ मैं, मुझे प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है कि इस समय पे मैं ये पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, PhD करूँगी, राइटर बनूँगी। लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हुई एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बताना नहीं चाहती। तब मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी पर वैसा हुआ नहीं, पर मैं अब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ रब की कि वो चीज़ सच नहीं हुई, क्योंकि अब जहाँ पे मैं हूँ मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं उस कंडीशन में होती तो क्या होता। सो यस, रब के प्लान पे विश्वास करें। अगर कोई चीज़ होनी हो आपके लिए तो वो जरूर से हो जाएगी, अगर वो नहीं होनी है तो फिर फायदा नहीं है रोने का। बहुत बार ऐसे होता है कि आप तक्के से चीजें नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज से रोते रहते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है। अगर आपकी जिंदगी में वो बंदा होगा तो जरूर से आ जाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा होगा कि वो चला जाए बजाय उसकी आपकी जिंदगी में रहे और आपको दुख तकलीफें होती रहे। सो यस, जब कोई चीज जाती है उसे जाने दें, उसको आप जोर से बन के नहीं रख सकते हैं। अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता है तो उसे बन के नहीं करा सकते हैं एंड अगर वो करता होगा तो वो जरूर से वापस आएगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ की आपको चाहत है, अगर वो आपके लिए होगी तो जरूर से आएगी, आपके रोने से एंड विक्टिम कार्ड प्ले करने से वो नहीं आएगी। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में से कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है कमेंट बार में शेयर करना, अगर आपके पास कोई भी विचार है वो भी शेयर करना, मुझे आपके विचार जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक जरूर से करना ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय बाय लालू।